Hey everyone, I am Renu Jangra, lecturer in RPIIT Technical and Medical Campus. Today I am going to discuss about decalcification. It means the complete removal of calcium from bones. This is a technique which is used during section cutting in histopathology lab. Introduction. It is a technique performed in pathology lab for complete removal of calcium cation with the help of anion. ये एक टाइप की टेक्निक होती है जो पैथोलॉजी लैब्स के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर जो बोन के अंदर प्रेजेंट होते कैल्शियम कैटायंस उनको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनायंस. दे आर यूज फॉर द डायग्नोसिस दैट आर यूज फॉर द डायग्नोसिस जो जो स्पेसिमेन डायग्नोस के लिए यूज किए जाते हैं. इट हेल्प टू प्रोवाइड द सॉफ्टनेस टू द हार्ड स्पेसिमेन. कैल्शियम रिमूव करने का हमारे पास एक बेनिफिट होता है जिसकी वजह से टिश्यू जो है बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है. इम्पोर्टेंस इट इज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक बिकॉज द हार्डनेस ऑफ स्पेसिमेन कैन कॉज डिफिकल्टीज ड्यूरिंग सेक्शन कटिंग. ये टेक्निक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है डिकल्सिफिकेशन. क्यों इम्पोर्टेंट होती है डिकल्सिफिकेशन? क्योंकि अगर बोन के अंदर कैल्शियम होगा तो सेक्शन कटिंग करते टाइम वो हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस की वजह से सेक्शन कट नहीं कर पाते पैथोलॉजी लैब के अंदर. लेकिन जैसे ही डिकैल्सिफाई कर देंगे बोन को, उसके अंदर से कैल्शियम रिमूव हो जाएगा और बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा. सॉफ्ट होने के बाद उसकी सेक्शन कटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द कैल्शियम फाउंड इन ऑर्गन्स एंड टिश्यू. अब आती है कि जो भी बोन होती है कौन कौन सी कैल्शियम हमें मिलती है. फर्स्ट वन इज द कैल्शियम फॉस्फेट, सेकेंड वन इज द कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड वन इज द कैल्शियम फ्लोराइड. ये तीन टाइप की कैल्शियम होती हैं जो बोन के अंदर या फिर टीथ के अंदर जो है प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर. नाउ स्टेप्स यूज फॉर डिकैल्सिफिकेशन. अब लैब के अंदर हमें पता चल गया कि डिकैल्सिफिकेशन होता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम. अब उसको उसके जो है स्टेप्स क्या क्या होंगे. फर्स्ट वन इज द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन. सबसे पहले हम स्पेसिमेन को सिलेक्ट करेंगे. जो भी हमें स्पेसिमेन लेना है, बोन है या फिर टीथ है, उस स्पेसिमेन को हम चूज किया. चूज करने के बाद उस स्पेसिमेन को हम कट कर देंगे 4 to 5 mm थिकनेस ऑफ स्लाइसेस. उस बोन को हम स्लाइसेस में कट कर देंगे. कट करने के बाद ऑल्सो रिमूव द डैमेज एरिया ऑफ द बोन. जो भी उसका डैमेज एरिया होगा उसको भी हम रिमूव कर देंगे सेक्शन कट करके. स्लाइसिस कट करेंगे पहले, फिर उसके बाद उसका डैमेज एरिया को भी हम रिमूव कर देंगे. सेकेंड वन इज द फिक्सेशन. जैसे ही हमने स्लाइसिस कट की, उसके बाद उनको हम फिक्सेटिव एजेंट के अंदर डालेंगे. फिक्सेटिव एजेंट के अंदर डालने का बेनिफिट होता है कि वो उस स्पेसिमेन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, किसी भी बैक्टीरिया या फिर ऑटोलाइसिस से उसको बचाता है. थर्ड वन इज द डिकैल्सिफिकेशन. अब आता है डायरेक्ट डिकैल्सिफिकेशन. डिकैल्सिफिकेशन के लिए रिएजेंट्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं? जेंकिंस फ्लूइड, साइट्रेट, साइट्रिक एसिड बफर, फॉर्मल नाइट्रिक एसिड, एक्वस फॉर्मिक एसिड एंड गोडिंग्स फ्लूइड. ये जो है 5 टाइप के फ्लूइड होते हैं या फिर रिएजेंट होते हैं जिनको जिनका यूज किया जाता है डिकैल्सिफिकेशन के अंदर. मेथड एसिड टेक्निक. इसके अंदर हम मेथड यूज कर रहे हैं एसिड टेक्निक. इट हेल्प टू रिमूव द कैल्शियम आयन फ्रॉम बोन. एसिड टेक्निक क्या होती है? ये बोन के अंदर से कैल्शियम को रिमूव करने में हेल्प करती है. अब एसिड टेक्निक के लिए कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं? साइट्रेट, साइट्रिक एसिड, जेंकिंस फ्लूइड, 2 टाइप के हम रिएजेंट ले रहे हैं. नेक्स्ट वन इज द प्रोसीजर. प्रोसीजर में पहले हम डायग्राम देखते हैं. डायग्राम के अंदर एक बीकर दिया हुआ है. बीकर के अंदर ये रिएजेंट हमने फिल किया हुआ है. रिएजेंट फिल करके जो हमारे पास स्पेसिमेन है उसको हमने एक धागे के साथ बांधा हुआ है और सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप करा रखा है. तो फर्स्ट वन लीड द स्लाइड विद स्ट्रिंग इनटू सॉल्यूशन फॉर 1 to 2 hours एंड वॉल्यूम शुड बी 20 टाइम्स मोर देन द स्पेसिमेन. हमारे पास ये स्पेसिमेन है, इसको हमने धागे से बांधा और सॉल्यूशन के अंदर डीप करा दिया. ये सॉल्यूशन जो है वो इस स्पेसिमेन से 20 टाइम्स मोर है. सेकंड, टेक 5 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड ऐड अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हेनेवर इट्स बिकम अल्कलाइन. अब हमने इसको 1 to 2 hours के लिए रखा. उसके बाद इसके अंदर से हम 5 ml सॉल्यूशन बाहर निकाल लेंगे. उसके अंदर
ऐड करेंगे अमोनिया को ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे भी हम अमोनिया को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल लेंगे वो एल्कलाइन हो जाएगा सॉल्यूशन। थर्ड, इफ कैल्शियम इज प्रेजेंट देन सॉल्यूशन बिकम टर्बिड। अगर उस सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, जैसे हमने 5 ml निकाला उसके अंदर अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, तो सॉल्यूशन अगर टर्बिड है तो इसका मतलब उसके अंदर कैल्शियम अभी भी प्रेजेंट है। उसको हम फिर से उसका प्रोसीजर जो करेंगे कंटिन्यू, हम डिकैल्सिफिकेशन, हम डिकैल्सिफिकेशन को कंटिन्यू रखेंगे। देन आफ्टर डिकैल्सिफिकेशन वॉश द स्पेसिमेन अंडर रनिंग टैप वाटर फॉर 24 to 48 hours टू न्यूट्रलाइज द एसिड। अब बोन जो है वो उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बोन को न्यूट्रलाइज कराने के लिए रनिंग टैप वाटर के अंदर 24 to 48 hours के लिए रखेंगे, वॉच करेंगे। देन डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ स्पेसिमेन। डीकैल्सिफिकेशन के लिए कितना टाइम लेगा वो डिपेंड करता है बोन के अंदर कितनी क्वांटिटी में कैल्शियम प्रेजेंट है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितना उसका वॉल्यूम है और टेम्परेचर कितना है। इट वॉज द ऑल अबाउट डीकैल्सिफिकेशन। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।